बच्चों यहाँ पे असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो है मैं आपको दे रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में है, ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 moles ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर टी। अज्यूमिंग द गैसेज टू बी आइडियल एंड द ऑक्सीजन बॉन्ड टू बी रिजिड, द टोटल इंटरनल एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ आरटी ऑफ द मिक्सचर इज। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मिक्सचर होता है बेटा, सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द कंपोनेंट्स होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस होता है बेटा यू इज इक्वल टू एफ वाई टू एंड दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू एन आर टी होता है बेटा। सो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन डायटोमिक है, तो एफ इज इक्वल टू डायटोमिक लिए कितना होता है 5, 3 होता है ट्रांसलेशनल और 2 होता है रोटेशनल। ठीक है, सो 5 एंड मोनाटोमिक के लिए बात करें बेटा तो F इज कल टू कितना होता है 3 होता है। सो एनर्जी इज कल टू कितना हो जाएगा बेटा टोटल एनर्जी, तो दिस इज F बाई 2 एंड दिस इज एन आर टी ऑक्सीजन एंड प्लस F बाई 2 दिस इज एन आर टी किसके लिए आर्गन के लिए। सो दिस इज कल टू अगर वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज 5 बाई यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू आर टी हो जाएगा बेटा एंड प्लस 3 बाई 2 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा आर टी। सो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 15 आर टी इज द करेक्ट आंसर। सो 15 आर टी तो पूछा है आपसे फाइनल एनर्जी इन आर टी, तो यूनिट कितना है 15, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कंसीडर ए गैस ऑफ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी ट्रायंगुलर एंड मेड ऑफ मासलेस रिजिड रॉड हुज वर्टिसेस आर ऑक्युपाइड बाय एटम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट टेम्परेचर टी इज। तो बेटा अगर यहाँ पे देखा सब फिर से एनर्जी इज इक्वल टू होता है दिस इज एफ बाई 2 इंटू कितना होता है आर टी होता है। अगर यहाँ पे देखें आप तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके कितने हो जाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 6 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल हो जाएगा और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा रोटेशनल हो जाएगा, तो 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 रोटेट कर ये ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, अगर हम एक्सिस ले लें यहाँ पे तो इधर एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में जा सकता है, 3 ट्रांसलेट भी कर सकता है, इसके अबाउट या फिर इसके अबाउट ट्रांसलेट कर सकता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गया 6, सो एनर्जी यू इजकल टू 6/2 इंटू कितना हो जाएगा आर टी, सो दिस इज कल टू यू इजकल टू कितना हो जाएगा 3 RT इज द करेक्ट आंसर। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका डी पार्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें बेटा, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस बाई 50 degrees Celsius एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर 160 calories ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, वेन द सेम मास ऑफ द गैस इज कूल्ड बाई 100 degrees Celsius एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम 240 calories ऑफ हीट इज रिलीज, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज ईच मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैस हैव, अज्यूम टू बी ना आइडियल, आइडियल गैस अज्यूम करना है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे आपको गिवन है डेल्टा क्यू एंड डेल्टा क्यू इजकल टू 160 क्या है कैलोरी, आप चाहें तो इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 4.2 से मल्टीप्लाई कर से, एंड डेल्टा टी इजकल टू कितना है बेटा 50 degrees Celsius। नाउ व्हाट इज डेल्टा क्यू, सो दिस इज एन सी पी इंटू कितना होता है डेल्टा टी होता है, सो 160 इजकल टू एन सी पी इंटू कितना हो जाएगा 50, सो दिस इजकल टू डेल्टा क्यू इजकल टू कितना होता है बेटा 240 क्या होता है कैलोरी, सो डेल्टा टी इज कल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज 100 degrees Celsius एंड सो डेल्टा क्यू इज कल टू हो जाएगा एन सी भी इंटू डेल्टा टी भी होता है बेटा, सो दिस इज कल टू 240 इज कल टू एन सी भी इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सो अगर लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड क्योंकि ये आपसे कहा है ना कांस्टेंट प्रेशर एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं एनर्जी, और यहाँ पे कांस्टेंट किसकी बात कर रहे हैं वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 160 अपॉन 240 इजकल टू एन सी पी इंटू 50 अपॉन एन सी पी इंटू कितना हो जाएगा 100, सो सी सॉरी एन एन कट जाएगा बेटा और एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ पे ये कटेगा, सो 8 × 16 = 24, तो 2/3 इजकल टू सी पी अपॉन 2 CV, सो दिस इजकल टू बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4/3 इजकल टू सी पी अपॉन कितना सी बी, एंड सी पी अपॉन सी बी क्या होता है गामा, सो दिस इजकल टू गामा इजकल टू कितना हो जाएगा 4/3, गामा इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/3, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इजकल टू कितना होता है बेटा 2/γ माइनस कितना होता है 1, सो एफ इजकल टू हो जाएगा आपका 2/4/3 माइनस कितना 1, सो इसको सॉल्व करोगे बेटा यहाँ से तो एफ इजकल टू आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 6, सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ ए परफेक्ट मोनोटॉमिक गैस एट सम टेम्परेचर टी एंड प्रेशर ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज क्लोज टू। ठीक है, देखो प्रेशर 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दिया, निकालना पड़ेगा इसको। सो हाइट इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर, सो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी से हम निकाल लेते हैं बेटा, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 × 10⁻¹⁴ क्या है बेटा, अर्ग गिवन है। ठीक है, एंड डेंसिटी जो गिवन है आपको बेटा 113.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सब जो है CGS में गिवन है बेटा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है एंड जी इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना, सब CGS में गिवन है। सो PV इज इक्वल टू आप यूज कर लीजिए, दिस इज NKT होता है इक्वेशन, दिस इज PV इज इक्वल टू NKT यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। सो N इज इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन कितना, दिस इज KT। सो दिस इज इक्वल टू फॉर मोनोटॉमिक गैस एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 × कितना होता है RT होता है बेटा। सो दिस इज इक्वल टू हम यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे KT एंड KT इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा RT नहीं 3/2 KT होता है, 3/2 कितना होता है KT। सो KT इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा बेटा 2/3 × कितना U, इसकी वैल्यू पुट कर दो। सो N इज इक्वल टू कितना, सो दिस इज 3 PV एंड डिवाइडेड बाय 2 × U, सबकी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, सो N इज इक्वल टू और कितना हो जाएगा 3 एंड P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा HRG। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू HRG ना, और इंटू कितना हो जाएगा V वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 × कितना U। सो N की वैल्यू जब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुट करने के बाद N की वैल्यू जो है सब CGS में ही रख देना बेटा, सबकी वैल्यू आपको उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 3.99 × 10⁻¹⁸ आ जाएगा, सो अप्रॉक्सीमेटली 4 × 10⁻¹⁸ क्या लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं बेटा। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 4 × 10⁻¹⁸, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर नोन टू हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, द गैस इज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ टी, द टोटल इंटरनल एनर्जी यू ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैस एंड द वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ गामा CP/CV आर गिवन रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ट्रांसलेशनल जो होता है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 होता है एंड जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल होता है बेटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना होता है 2 होता है। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। सो हम जानते हैं एनर्जी यू इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज F/2 μ × RT होता है बेटा। ठीक है, सो एंड यू इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 5/2 × RT होता है। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू CP/ कितना होता है CV, सो दिस इज इक्वल टू 1+2/ कितना होता है F। ठीक है, 1+2/ कितना आ जाएगा F, सो दिस इज 1+2/ कितना आ जाएगा 5। सो यंग्स सो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, दिस इज 7/5। सो अगर देखें हम तो एनर्जी इज इक्वल टू 5/2 RT एंड Y इज इक्वल टू 7/5, तो 5/2 RT एंड Y इज इक्वल टू 7/5। सो कौन सा आंसर है बेटा, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।